गाजियाबाद के आदित्य बिल्डर के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसानों ने जेल से छूटने के बाद बमहेटा प्राइमरी स्कूल में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें ऐलान किया गया कि आने वाली 21 फरवरी को बिल्डर द्वारा कब्जाई गई जमीन को लेकर महापंचायत की जाए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि आदित्य वर्ल्ड सिटी के खिलाफ काफी समय से बमहेटा गांव के किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रही थी। इस दौरान बिल्डर और पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों एवं महिलाओं पर लाठियां चलाई गई, जिसके बाद कुछ किसानों को जेल भेज दिया गया था, जिसको लेकर किसानों ने लोगों से महापंचायत में पहुंचने की अपील की। आज बमहेटा गांव की महापंचायत में इन सारे इश्यूज पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चार दिन पहले आदित्य वर्ल्ड बिल्डर नामक बिल्डर ने एक माननीय उच्च न्यायालय को गुमराहियत करके गलत तथ्य पेश करके एक रिट दायर की और उस रिट के आधार पे माननीय उच्च न्यायालय से फोर्स उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त करके जो जमीन बिल्डर ने खरीदी नहीं है, कोई 5 पैसा उस जमीन का मुआवजा ना किसान को मिला है, ना लिया है, ना कोई लिखत पढ़त हुई है, ना वो जमीन बेची गई है, उसको भी पुलिस और प्रशासन के नाजायज दबाव के कारण बिल्डर ने अपने कब्जे में कर लिया। और यहीं तक बिल्डर नहीं रुका, बिल्डर ने बमहेटा के सम्मान और स्वाभिमान से भी खिलवाड़ किया, हमारी माताएं बहनों के साथ भी घोर बदतमीजी हुई। आपको बता दें कि आदित्य बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को लेकर बमहेटा में किसानों ने पंचायत और बिल्डर के खिलाफ 21 फरवरी को महापंचायत करने का ऐलान किया।